कोई मर्डर केस से संबंध नहीं होता, करप्शन केसेस से संबंध होता है. सो इन रिलेशन टू ऑल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केसेस, द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुपरविजन, सुपरिटेंडेंस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन इज विद द सीवीसी. अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कौन करे, क्या होगा, किसको गवाह बनाना है, किसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी है, यह सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का अधिकार होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अधिकार होता है. यह अधिकार सीवीसी का नहीं होता. लेकिन इस सुपरिटेंडेंस प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो रहा है, यह पावर सीवीसी का है. और इसीलिए बड़े अधिकारियों ने भी सीवीसी को ही, जो उनकी कंप्लेंट्स आई सीवीसी को ही गई. सीवीसी के पास वो सारा मटेरियल है जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे हैं. और कल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी मीटिंग में सेक्शन 8 सीवीसी एक्ट और सेक्शन 4(1) ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत यह सिफारिश की कि इन आरोपों की जांच ना तो ये दो अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पे स्वयं आरोप है, और ना ही इनकी सुपरविजन में कोई एजेंसी कर सकती है. इसलिए जब तक इसकी जांच होगी, टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ द सीबीआई एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस प्योरली एज एन इंटरिम मेजर, दे विल सिट आउट बाय गोइंग ऑन लीव फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. इट्स एन इंटरिम मेजर. मित्रों, ये दिल्ली की सरकार आए दिन इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रही है, और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई. ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. मैं आज इन नौजवानों के बीच से दिल्ली की कांग्रेस सरकार को ललकारता हूं. हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ. गुजरात के अधिकारियों को, गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मंत्रियों को सीबीआई आने वाले दिनों में फंसा देगी, ऐसे आज खबरें मैंने पढ़ी. दिल्ली की सरकार ये कान खोलकर सुन ले, आप यावत चंद्र दिवा करो दिल्ली में राज नहीं कर पाओगे. और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, वो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा. और अपने राजनीतिक आंकड़ों को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे.
सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है। अरे दिल्ली के नेता ये मोदी की सरकार को परेशान करने के लिए, मोदी को जेल में डालने के लिए, मोदी के मंत्रियों को जेल में डालने के लिए सीबीआई के पीछे इतना समय बर्बाद कर रहे हो। अरे कुछ समय उत्तराखंड के लोगों के लिए लगाओ तो उन सरकारी लोगों का झगड़ा हो गया। उन दुखियों की सेवा में समय लगाओ। दिल्ली वालों को मैं आह्वान करता हूं, आइए आप हिंदुस्तान में नौजवानों को रोजगार दीजिए और हम गुजरात में नौजवानों को रोजगार देते, देखते कौन ज्यादा काम करता है। अभी अभी चुनाव गया, आप में दम होता तो गुजरात की जनता को समझाना चाहिए था। गुजरात की जनता हमें उखाड़ के फेंक देती और हम उसको अपने सर आंखों पर बिठाते जनता को, लेकिन गुजरात की जनता हमें प्यार करती है और इसलिए आप सीबीआई को पीछे लगाते हो। मैं नौजवान मित्रों आपको विश्वास देना चाहता हूं, मैं सीबीआई से डरने वालों में नहीं हूं। और दिल्ली के आंका भी समझ ले और इसी भाषा में जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहे।